एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गुजरात के पोरबंदर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उसने आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। इससे जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि ये लोग एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन के संपर्क में थे। एक और संदिग्ध की तलाश में छापेमारी की जा रही है। गुजरात के DGP विकास सहाय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि चारों गिरफ्तार आरोपित इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ISKP के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 3 भारत के रहने वाले हैं जबकि 1 विदेशी नागरिक है। ये चारों ISKP के सक्रिय सदस्य हैं और उनके कब्जे से कई प्रतिबंधित चीज़ें मिली हैं। सीमा पार आकाओं के इशारों पर चारों कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ गए थे। DGP ने कहा कि कई दिनों से आतंकी गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। इसी को लेकर पोरबंदर और आसपास के इलाकों में विशेष अभियान के लिए पिछले कुछ दिनों से ATS की एक विशेष टीम सक्रिय थी। गुजरात पुलिस के ATS के अधिकारियों को ऐसी एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है ISKP, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। इस संगठन से जुड़े 3 आतंकवादी भारत से गुजरात होकर बाहर जाने वाले हैं, हिजरत करने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन ATS के अधिकारियों को मिला। इंफॉर्मेशन का पूरा ठीक से योग्य ढंग से इसकी मूल्यांकन की गई। इंफॉर्मेशन में तथ्य मिला और उसके ऊपर से ATS के अधिकारियों ने कल सुबह 9 तारीख के सुबह पोरबंदर से जो इंफॉर्मेशन